आदरणीय भारतभाऊ, आदरणीय खासदार प्रतापराव जाधव साहेब, बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती, सर्व संचालक मंडळ, सर्व नगरसेवकापासून सर्व ग्रामीण आणि शहर दोन्हीमधून आलेले सर्व सन्माननीय नेते मंडळी, व्यापारी मंडळी, बंधू, जैसा हमारे एमपी जो है एकदम दबंग आदमी है। मैं जब अंदर आया तो मैं उनको पहचान नहीं पाया, शर्ट पैंट में आज वो जवाब लग रहे तो देखिए कि आप आए तो वो इतने जवान हो गए, रेल अगर आ गई तो क्या होगा, वो तो युवक और एनएसवाई के लगता है। चलो ये तो एक जस्ट मैंने बात कही मजाक में, लेकिन सही बात है कि रेल के लिए हमारा जिला तरस रहा है। रेल के लिए कई सालों से हमारे कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से, और हर बात जब कोई न्यूज भी आती है इस बारे में कोई पॉजिटिव, तो काफी उनको अच्छा लगता है। तो इस बार तो आप आए हो सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए, तो सही में सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल कहीं मैंने पढ़ा कि 10वीं बार ये सर्वे हो रहा है, तो एक से अगर शुरू करते हैं तो 10 पक ये अगर खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप पता नहीं आप इसके पहले कौन आगे गया सर्वे के लिए, लेकिन अब आप आए हो। रिसेंटली कोई नहीं आया है, रिसेंटली कोई 6-7 साल में कोई नहीं आया। तो आपके तरफ देखने के बाद पता नहीं कैसे लग रहा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी आप में दिख रही है, तो लगता है कि अब इस बार तो जरूर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। यहाँ पे सभी ने बताया कि कितनी जरूरत है यहाँ पे रेल की, उसकी वजह से बिजनेस कई गुना बढ़ेंगे। हमारे बाजार समिति के उपसभापति जो है उन्होंने तो आपके सामने काफी ब्यौरा रख दिया, पूरा विश्लेषण उसका कर दिया, आंकड़े आपके सामने रख दिए, फिगर्स आपके सामने रख दिए। तो कई बातें हैं, रेल आने की वजह से यहाँ पे बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा, रोजगार कई गुना बढ़ेगा। एक और बात है जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखो, ताली दो हाथ से बजती है तो बिजनेस बढ़ेगा तो अपने आप रेल को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि रेल आने की वजह से यह बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो अपने आप रेल को भी फायदा होगा। तो शायद कागज पे दिखते वक्त आज दिखेगा कि यह फिजिबल है या नहीं है, शायद तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरा अभ्यास है, मेरी स्टडी है, तो आंकड़ों को किस तरीके से पेश करो तो अपने आप वो निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। वो आंकड़े हैं, वो फिगर्स हैं, उसको किस तरीके से रखो तो अपने आप हो जाता है। तो इसको अगर पॉजिटिव तरीके से आप देखते हो तो ये फिजिबल हो जाएगा। और अभी हमारे अग्रवाल साहब ने आपको बताया कि कितने हजार कोटी, 50,000 कोटी तो सही में मैं बता रहा हूँ कि इसकी बहुत आवश्यकता है, ये फिजिबल है, और इसका जो रूट है ये शिकली से होता हुआ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे खासदार साहब को, हमारे एमपी साहब को कहीं पे भी जाना है तो शिकली होते हुए ही जाना पड़ता है उनको। शिकली सेंटर है,
हर तरीके से। इसका मतलब रेल लाइन बनने के बाद में भी मैं एमपी रहूंगा। बनने तक और बनने के बाद भी चिपली जियोग्राफिकली भी सेंटर है और इंडस्ट्रियली इकोनॉमिकली ये एजुकेशन का भी हब है, हर तरीके से ये हब है, सबसे बड़ा सेंटर ही है जिले का। तो ये यहाँ से होता हुआ अगर गया तो ज़िले का सेंटर होने की वजह से और सब बातों से ये हब होने की वजह से सीड का हब है ये, यानी हमारी मंडी जो है वो सबसे बड़ी मंडी है, तो सभी बातों से एजुकेशन हब है। और आपको जो बताया अभी हमारे नरू भाव ने जो बताया कि शेगांव है, सैलानी है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो भाविक लोग आते हैं वो सब अगर ये रूट होता है तो और कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सबके तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि इसको पॉजिटिवली आप पेश करो। बहुत बहुत शुक्रिया।